कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 17 फरवरी को होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत करेंगे। प्रशिक्षण शिविर को लेकर नागौर में तैयारियां शुरू हो गई है। संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह सांखला, जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी ने तैयारियों का जायजा लिया। नागौर के संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह सांखला ने यह जानकारी दी। बताया कि शिविर में कांग्रेस के फैसलों और अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने बताया कि डिजिटल मेंबरशिप अभियान और हिंदू बनाम हिंदुत्व जैसे मामलों पर चर्चा होगी। नागौर जिला कांग्रेस का जो गढ़ है और यहाँ जो कांग्रेस का भवन बना हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत पुराना भवन है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा मेंबरशिप जिले में जो है कांग्रेस की बन गई है और नए सिरे से जो है नए हॉल और पूरे भवन का जो है नए तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जिससे कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री डोटसरा जी आएंगे और वो जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। मैं समझता हूँ साल भर के अंदर जो है पूरा भवन बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे कांग्रेसजनों को यहाँ सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी और साथ का साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी इस बिल्डिंग के मार्फत रेगुलर ऑफिस हो पाएगा। ये बहुत ही खुशी का मौका है। इसमें जितने सभी कांग्रेसजनों को और नए भवन के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा दो दिवसीय नागौर दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें मतलब कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम यहाँ रखा गया लेगा गार्डन के अंदर। तो दो दिन तक जितने भी हमारे कांग्रेस के नागौर जिले के एमएलए प्रत्याशी, पूर्व सांसद, ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, चेयरमैन, प्रधान और अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्ष और सारे डेलीगेट जो भी डिजिटल ये मेंबरशिप डेलीगेट है, वो सारे कांग्रेस के पदाधिकारी दो दिन तक शिविर में भाग लेंगे। कोरोना